नमस्कार। इस देश की बेटी और आप और मेरे घर में बैठी हुई हर एक बेटी और बहन सबकी तरफ से आज आपसे बात कर रही हूँ। आज तीसरा दिन है जब हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान और कई मेडल्स लाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई है, रस्ते पर धरना लगाकर बैठी हुई है ताकि उनके साथ न्याय हो, न्याय की भीख मांग रही है। ऐसे देश में जहां पर देवी जैसा दर्जा दिया जाता है हर एक लड़की को, हर एक औरत को, क्या ये सही है कि ये लड़कियां जिनके लिए इतनी मुश्किल होगी, किसी भी लड़की के लिए ये बात बाहर समाज में आकर मानना इसको कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक लड़की आवाज उठाती है। आज ये लड़कियां आवाज उठा रही है अपने क्षेत्र में हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। कल को ये सारी चीजें दूसरी लड़कियों के साथ भी हो सकती है, कई अन्य जगहों पे हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। ये लड़कियों के ऊपर अगर आज न्याय नहीं हुआ तो बहुत बहुत देर हो जाएगी। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये लड़कियां जब वो मेडल्स लेकर आती है और हम में से हर कोई उनके बारे में गौरव के शब्द निकालता है, उनके साथ सारे मिनिस्टर आगे पीछे भागते हैं ताकि उनके साथ फोटो निकाल के ट्वीट कर सके, आज वो सब कहाँ है? वो सब मीडिया के लोग कहाँ हैं जब छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी खबरें बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या ये मीडिया का कर्तव्य नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी न्यूज है वो हर एक लड़की के लिए आज न्याय मांग रही है तो उनको देश के सामने लाए? और सबसे महत्व की बात, मैं गृह मंत्री और खेल मंत्री से नम्रतापूर्ण निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इन लड़कियों को न्याय दे, उनकी गुहार सुने, क्योंकि ये उनके कानों के लिए है।